cause you just hold me near. You can take me anywhere, and you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Good morning, India. तो गुरुजी फिटनेस है तो फाइट है. It's kind of crazy cause I really don't mind and you make it better like that. Don't think we fit in at this point. देख रहे हो इसको, क्या बात है. So YouTube मेरी जान, काम की बात यह है, जितने हसीन चेहरे, जितने खूबसूरत चेहरे इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब जिंदाबाद रहें, आबाद रहें. हाँ तो गुरुजी फिटनेस मार के सीधा फिट होके आपके सामने. और गुरुजी काम की बात यह है कि गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग हो गई है और सुबह दिन भर के सारे काम खत्म करे मैंने, एडिटिंग वेडिटिंग जितना करना होता है. और अभी मैं आ चुका हूँ जहाँ मुझे आना होता है हर शाम, और जिसको हम आम भाषा में जॉब कहते हैं. सो यहाँ पर थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे जहाँ हमें चलना है. हमें मतलब आपको और हमें चलना है, तो वहाँ चलते हैं. पहले यहाँ का थोड़ा सा काम खत्म कर लेते हैं. वहाँ के जितने काम थे मैं ख़त्म करके अब पहुँचा हूँ आप लोगों के साथ ज़िंदगी जीने के लिए. तो आज की ज़िंदगानी को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्माइल और एक लाइक के साथ. तो दिल्ली है दिल वालों की और मैं पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली, जिसको चांदनी चौक के नाम से भी जाना जाता है और जिसे शाहजहांबाद भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो इसको बसाया था शाहजहां ने बनाया था, तो इसलिए इसको शाहजहांबाद भी कहते हैं. अब करते हैं एग्जिट और चलते हैं. मैंने सोचा कि ये तो मिस नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्टली आपको लेके आ गया हूँ. मेरे पीछे देखिए ईद मिला, बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही दिल लगा के सभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं. मैं भी आ गया इसको बढ़ चुकी एक्सप्लोर करने, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं. सो गाइज यहाँ पर लगा हुआ है ये बोर्ड जिस पर टाइमिंग और कब से कब तक ये मेला रहने वाला है और लोकेशन क्या है, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है ईद मुबारक के साथ. और इस मेले का जो नाम है वो है ईद मिलन मेला, ठीक लाल किले के पास लगा हुआ है. और ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करके अंदर मेले में सभी लोग जा रहे हैं. ये मेला 15 मई तक रहने वाला है और इसकी जो ओपनिंग टाइम है वो शाम 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक रहती है. गाइस इस मेले का कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है और घूम सकता है. यहाँ पर काफ़ी अच्छी राइड आ रखी हैं, एक राइड ऐसी भी है जो मेरे को भी काफ़ी डेंजरस लग रही है. देखते हैं अगर टाइम मिल पाता है, अगर कर पाते हैं तो. इस मेले का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किले से भी आ सकते हो आप और चांदनी चौक से भी आ सकते हो, बिल्कुल जस्ट लाल किले के पास में ही है, इसी से आप पहुँच सकते हो. ईद पर हर साल ये मेला लाल किले मैदान में लगाया जाता है और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर इतने लोग आते हैं. क्या बात है, यहाँ पर चल रहे हैं गन शॉट और फोड़े जा रहे हैं छोटे छोटे गुब्बारे. We'll be right back.
सो फाइनली अब मैं पहुंचा हूं इस डेंजरस राइड के ठीक सामने जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मैंने दूर से ही देख ली थी, सच में इसका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है और जितनी भी यहाँ पर राइड है उनके अलावा। गाइज ये पूरा राउंड घूम जाता है धीरे धीरे, अभी देखिएगा ये धीरे धीरे पूरा ऐसे जाएगा, सच में पूरी हवा टाइट कर देगा इसके अंदर जो बैठे हुए हैं ना सच में। गाइस ठीक इसके पीछे एक और है ऐसा, ये दो हैं आप देख रहे होंगे, एक उस साइड है एक इस साइड है। गाइस कमेंट्स करके बताओ कि कौन कौन इसमें बैठा है और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा इसमें बैठने का। योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। देखिए ये गया धीरे धीरे, बच गया इस बार भी। सो लेट्स सी नेक्स्ट राउंड, अब देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि अब ये पक्का राउंड हो जाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि लास्ट पॉइंट से नीचे आया था। गाइस यहाँ पर हाईएस्ट 100 रुपये है, किसी भी राइड में आप बैठ सकते हैं, हाईएस्ट 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और लास्ट वाली इस वाली राइड का भी 100 रुपये थे। और ये भाई साहब यहाँ देखिए बबल फुला रहे हैं, सबको एंजॉय करा रहे हैं बबल से। और एक ये गेम है यहाँ पर, काफ़ी लड़के लगे हुए हैं इसमें कुछ। ये जो गोल राउंड है आपके पास, ये किसी भी उसमें जो स्टफ़ रखा हो उसमें डाल दीजिए और वो आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और काफ़ी जो यहाँ पर आए हुए गाइस हैं बहुत ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट किसी से हो नहीं पा रहा। काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, इस साइड पे कुछ इसी तरीका है। गर्मी गर्मी घमोरियों का मौसम आया आया ठंडे गर्मी फील का। सो गाइस यहाँ पर आपके लिए आइसक्रीम भी अवेलेबल है, सॉफ्टी भी अवेलेबल है। आइए अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ और इन्जॉय करिए इस ईद मिलन मेले को। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया हुआ है। मेनली यहाँ पर जो घूमने का मज़ा है वो नाइट को ही है, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग सब नाइट को ऑन हो जाती है। टाइमिंग भी कुछ इस तरीके से है, शाम 5 बजे से 11 बजे तक चलता है ये मेला। किसी भी समय आइए और इन्जॉय करिए। सो अगर आप तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं, अगर आप मसाले की चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर फ्रेश फ्रेश कटिंग हो रहा है पाइनएप्पल। आइए और 20 रुपीज़ में एक प्लेट आपको मिल जाएगी, उसको इन्जॉय करिए। लो भाई अब आपके लिए तैयार हो चुका है भूत बंगला। अगर आपको इंटरेस्टेड है हॉरर चीज़ों में, आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हॉरर चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो आप इसके अंदर जाइए और हॉरर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस करिए। क्या बात है यार, अंदर से इतनी डेंजरस आवाज़ें आ रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी हॉरर अंदर। सो गाइस मेले से बाहर आने के बाद मेरे को एक स्टैचू ये दिखाई दिया जो कि एक भाई खड़े हुए हैं, बट इनको देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, एक भी मोमेंट इनके नहीं होगी, आप देखोगे बिल्कुल क्लोज इनको। सो गाइस लोग इनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और पैसे दे के इनकी हेल्प कर रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।